कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. एवरीवन, दिस इज प्रतिभा. वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न. सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि के अकॉर्डिंग आप कैसे बेहतर तैयारी करें उसके बारे में बताने वाली हूं, जैसा कि आप सभी के द्वारा मुझसे पूछा जा रहा था. क्योंकि अब आपके पास मात्र 40 दिन बचे हैं और उस हिसाब से ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें जिससे आप बेहतर तैयारी भी कर पाएं, बेहतर स्कोर भी कर पाएं. अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं भी शुरू करी है या बेहतर तरीके से आपकी तैयारी नहीं भी हो पाई है, तब भी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी. बस आपको ईमानदारी से इसको फॉलो करना है. दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय कम बचा है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप सिलेबस देख लीजिए, बुक खरीद लीजिए, मोटी मोटी बुकें पढ़िए, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से पढ़िए. बिल्कुल भी नहीं. अब आपको एक चीज को 10 बार पढ़ना है, एक जगह से 10 बार पढ़ना है. कहने का क्या मतलब है, अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना. अब आपको क्या करना है, अगर आपका बहुत अच्छे से तैयार है तब भी और नहीं तैयार है तब भी, आपको एक बुलेट पॉइंट वाली बुक ले लेनी है. जैसे कि दृष्टि की बुक्स आती हैं जिसमें आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन के टू द पॉइंट जो पॉइंट्स होते हैं वो दिए रहते हैं. कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर हम पॉलिटी की बात करें, उसमें पहला चैप्टर है आपका भारतीय संविधान का इतिहास, तो उससे रिलेटेड टू द पॉइंट चीज़ें दे दी. जैसे कि 1773 में ये हुआ, 1861 में ये हुआ, 1858 में ये हुआ, इस तरीके से आपको. और उसमें वही बातें लिखी होती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आप जब स्टार्टिंग करते हो, आपके पास लंबा समय होता है, तो आप डिटेल में पढ़ते हो ताकि चीज़ों का बैकग्राउंड के सहित आपको वो चीज़ें याद रहे. बट अब इतना समय नहीं है कि आप चीज़ों के बैकग्राउंड को पढ़े, फिर उसका डिटेल पढ़े, फिर उसकी हिस्ट्री पढ़े. तो अब आपको क्या करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है. तो आप उस बुक को ले लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, और उस बुक को एक बार नहीं, उस बुक को कम से कम 10 बार पढ़िए. उस बुक को कम से कम 10 बार पढ़िए, क्योंकि अब ये समय नहीं है कि आप 10 जगह से 10 बार एक एक बार पढ़े. अब ये समय है कि आप एक जगह से 10 बार पढ़े, तभी आपको सफलता मिल सकती है. अगर आपको ये बात सही लग रही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तभी इस वीडियो को देखिए. उसके बाद जब आपने इतना कर लिया, उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं. ये एक नेसेसरी पार्ट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं. हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लाई जा रही है, और अब एग्जाम की तिथि को देखते हुए हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और हमारी भी स्पीड आपके लिए बढ़ जाएगी, ताकि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें. तो और आपके पास यूथ पब्लिकेशन की और घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट होना कंपलसरी है. उसके बिना क्या है कि आपका जो एक मेजर पोर्शन है वो छूट सकता है. तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. बस ये 2 चीजें 3 चीजें कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. अगर इतना कर लिया तो आपकी 1 साल की पढ़ाई भी करने वाले बच्चे जो हैं वो तक पीछे छूट सकते हैं, अगर इस चीज को आपने ईमानदारी से कर लिया. क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने टाइम से पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना और कैसे और कहां से पढ़ रहे हो. नमस्कार.